तो वहीं नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने की मांग पर अड़ी कांग्रेस कल देश भर के बड़े शहरों में मीडिया से बात करेगी। बीजेपी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल खड़े किए। विपक्ष ने नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर आदिवासी समुदाय से जोड़कर 2024 का राजनीतिक मुद्दा बनाने की तैयारी कर ली है। 27 मई यानी कल कांग्रेसी नेता देश भर के बड़े शहरों में नए संसद के बहिष्कार के मुद्दे पर आवाज बुलंद करेंगे। इधर कांग्रेसी नेताओं ने कहा है कि अभी भी समय है तत्काल कार्यक्रम में परिवर्तन करके 28 मई को राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराया जाना चाहिए। ये बहुत बड़ी भूल है मोदी जी की और अभी भी समय है तत्काल इसमें परिवर्तन करके 28 मई को उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन कराया जाना चाहिए। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति से नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस के सुर में सुर मिलाए। गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध का जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी का रवैया ही, उनका दृष्टिकोण ही नकारात्मक। जब आप करते हो तब ये सब कुछ ठीक होता है और जब भारतीय जनता पार्टी करती है, मोदी जी करते हैं, आपकी वक्र दृष्टि इसका बहिष्कार। तो वहीं दो दिन के बाद भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन होने जा रहा है। विपक्ष के बहिष्कार के बीच 25 पार्टियां उद्घाटन समारोह में शामिल होंगी। संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में विपक्ष के बहिष्कार के बावजूद कार्यक्रम में 25 पार्टियों ने शामिल होने का ऐलान कर दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो विरोध और समर्थन के इस लड़ाई में भी विपक्षी दल पिछड़ते दिख रहे हैं। इस वक्त सरकार के साथ विपक्ष के मुकाबले 5 राजनीतिक पार्टियां ज्यादा हैं। 25 दल सरकार के साथ हैं जबकि 20 विपक्ष के साथ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने उद्घाटन कार्यक्रम का समर्थन किया है। मायावती ने ट्वीट करके अपनी बात रखी, कहा कि सरकार ने इसको बनाया है इसलिए उसके उद्घाटन का उसे हक है। इसको आदिवासी महिला सम्मान से जोड़ना भी अनुचित है। इधर 6 गैर एनडीए पार्टियां लोक जनशक्ति पार्टी, पासवान, बीजेटी, बीएसपी, टीडीपी और वाईएसआरसीपी और जेडीएस शामिल होंगी। जेडीएस की ओर से पार्टी प्रमुख और पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा समारोह में शामिल होंगे। लगभग 20 विपक्षी दलों ने संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने की बात कही है। इनमें कांग्रेस, डीएमके, जेडीयू, आप, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, केरल कांग्रेस समेत कई पार्टियां शामिल हैं।